फ्रेंड नमस्ते, आज बताएंगे हम सादा ब्लाउज की सिलाई करना। तो फ्रेंड बहुत अच्छे से बताऊंगी, अगर आप लोगों को सीखना है तो हमारी वीडियो को फुल वॉच करें। तो हमने कटिंग करके रख ली है, देखिए ये हमारी गले की चार पट्टियां हैं, क्योंकि पीछे का गला हमारा बड़ा है तो इसमें चार पट्टी आराम से लग सकती हैं, वो तो कम बड़ हो जाती हैं तो हम अलग से फिर से निकाल लेते हैं। और ये हुक हाई की पट्टी हैं, ये हमारी आस्तीने हैं। और जो सिलाई करते समय जैसे हम कटिंग करते हैं तो अब निशान लगाते हैं, और सिलाई करते हैं तब भी हमें ज़रूरी ही निशान लगाना है और नाप के ही फिटिंग करें, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे आगे वाले जो पल्ले हैं उनमें, जैसी प्लेटें तो हमें वैसी ही डालनी है जैसे हमने निशान लगाए हैं। जब हमें इसकी फिटिंग करना है तो बहुत बड़ी गलती होती है, कभी छोटा हो जाता है, छोटा ज़्यादातर होता है, कभी बड़ा भी हो जाता है। जब हम निशान के जैसे कटिंग करते हैं जिन निशानों से, उस निशान पे हमें ये नहीं करनी है फिटिंग, हमें अपने ब्लाउज के नाप से तब फिटिंग का निशान लगाना है और वैसे ही हमें फिटिंग करना है। देखिए इस अभी हमारे निशान भी अच्छे से दिख रहे हैं और मैं फिटिंग करूंगी वो भी दिखाऊंगी आप सबके लिए। चलिए फटाफट हमारे दोनों पल्लों में प्लेटें पड़ गई हैं देखिए। और ये है हमारी हुक वाली पट्टी, हुक वाली पट्टी हमेशा सीधा पल्ला रख के ही लगती है। पहले हमने एक सिलाई इस तरह से लगा ली है, अब ऊपर से दूसरी सिलाई भी लगा ली है, अब इसको हम अंदर पलटेंगे। इस पे हम तुरपाई करेंगे, तो चलिए इस पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे बड़ी बखिया करके। और ये है हमारा हाई वाला पल्ला, जिसमें हमें हाई के लिए पट्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, तो इसको हम उल्टा पल्ला रखते हैं, फिर हम इसको आगे की सीधी की साइड पलटते हैं। देखिए पलट के हमने सिलाई भी लगा दी है। ये है हमारा पीछे का पल्ला, तो सबसे पहले हम निचाई निकालेंगे। निचाई ये हमारी 15 इंच, फुल ब्लाउज की निचाई हमारी 15 इंच है, और पीछे की प्लेट की ऊंचाई देखेंगे 5 इंच है, क्योंकि ब्लाउज हमारा 15 इंच का बन रहा है निचाई, तो हमने इसमें 5 इंच की प्लेट डाली है। 14 इंच का हो तो 4 इंच की प्लेट डालें तो हमारी प्लेट एकदम फिट आती है पीछे की। इसी तरह से हम दोनों प्लेटों को डालेंगे। अब प्लेटों को डालते समय पीछे वाली को तो एकदम जो हमारा शोल्डर है उसको बराबर से इसे पलट लें, डबल कर लें, इसके बाद ही प्लेट डालें। तो हमने वैसी ही डाली है, तो प्लेटें एकदम बराबर रहती हैं। तो ये है हमारा फिटिंग का निशान, यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे हम 9 इंच पे, क्योंकि 36 साइज का है तो हमने एक भाग निकाला है, डबल में रखा है, 9 चौक 36 हो गया। और नीचे हमारी कमर, यहाँ से 15 पे एक निशान लगा लेंगे। और इतना हमारा कपड़ा जो बचा है वो तुरपाई के लिए, जो सादा ब्लाउज है हमारा, सादा कपड़ा ही है, तो हम इस पर तुरपाई करेंगे। नीचे से कमर पे निशान लगाएंगे, कमर है हमारी 8 इंच, 8 का डबल करेंगे 16 हुआ, चौथा भाग निकालेंगे तो 32 हो गया। तो हमारी कमर, वैसे तो हम नापते हैं तो हमारी 16 ही कमर है, उस निशान को हमने सीधा कर लिया है। और एक जो बीच में निशान लगाया है ये बहुत ज़रूरी है, मैं इसके निशान के हिसाब से ही ब्लाउज में फिटिंग देती हूँ, तो हमारा ब्लाउज एकदम सीधा रहता है और तिरछा बिल्कुल नहीं होता है। जब फिटिंग दें तो ये बीच वाला निशान लगा के ही फिटिंग दें अपनी ब्लाउज की फ्रेंड, तो फिटिंग बहुत ही सुंदर आती है। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली। देखिए हमारे जब हमने कटिंग की थी तो कहाँ पे निशान है, जब सिलाई लगाई है तो कहाँ पर सिलाई आई है, इतना फर्क पड़ता है फ्रेंड। कभी भी जब हम कटिंग करते हैं उसके हिसाब से सिलाई ना लगाएं, फिटिंग करते समय ज़रूर नाप के ही सिलाई लगाना चाहिए, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। तो देखते हैं नाप के, तो देखिए यहाँ पे पूरा 9 इंच आ रहा है,
इसीलिए हम कपड़ा ज़्यादा लेते हैं कटिंग करते समय। तो अगर कटिंग के हिसाब से 1 इंच कपड़ा लोगे तो आप पे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हमेशा 2-1.5 इंच से कम ना लें कपड़ा तो सही रहेगा, एकदम फिट आएगा, हमारा कपड़ा भी कम नहीं होगा और हमारे ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो देखिए हर जगह हमने नाप के देख लिया है, एकदम सही है। थोड़ा सा नीचे से ढीला है तो चलिए उस सिलाई को भी हम सीधा कर लेंगे। यहीं तक लगाएंगे सिलाई हम, ऊपर सही है हमारी। यह हैं हमारी गले की पट्टियाँ, तो फटाफट हम पट्टियों को ज्वाइंट कर लेते हैं। हमने पल्ले को ज्वाइंट कर लिया है और फिटिंग भी दे ली है अच्छे से। अब हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग। तो देखिए पहले हमने सिंगल कपड़ा रखा है और उस पर फटाफट हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें सही वाली लगानी, पक्की वाली, इस पर हम कच्ची सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि पाइपिंग की पहली सिलाई है। इस तरह से फटाफट, अब ये एक सिलाई लग गई है। अब हमें डबल सिलाई लगानी, इसे बोलते हैं कच्ची सिलाई। तो इसे भी हमने कपड़े को अंदर पलट दिया है, अंदर की साइड। फटाफट सिलाई भी लग गई है हमारी। अब पाइपिंग का तरीका बताएंगे मैं कैसे पाइपिंग लगाती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था उसको हमने काट दिया है, नहीं तो यहाँ पे सही से पलटा नहीं जाता है। इसको कपड़े को अंदर दबाया, अंदर दबाने के बाद फिर एक और पलट लगा दिया हमने उसमें। तो हमारी जितनी महीन चाहूँ उतनी महीन इस तरह से पाइपिंग को करके लगा सकते हैं हम। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ तो मुझे ये सरल आइडिया लगता है, बहुत ही सरल है। आप एक उंगली से इस तरह से दबाते जाओ, एक हाथ से संभालते जाओ तो हमारी पाइपिंग बहुत ही सुंदर लगती है। हमने पाइपिंग भी लगा ली है फटाफट से। अभी हम दिखाएंगे आस्तीन को ज्वाइंट करने के बाद। चलिए ये हमारी आस्तीन की मोहरी है 5.5 इंच। तो हमने दोनों मोहरी पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ये आर्म होल है हमारा 7 इंच, यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। और नीचे से थोड़ी सी गुलाई देना है हमें, गुलाई देने से तो आस्तीन में ढाल और ही सुंदर आ जाता है। थोड़ी सी गुलाई देना है आस्तीन पे, दोनों पे निशान लगा लिए। अब हम इन पे सिलाई लगाएंगे, फिर हमें थोड़ा सा नीचे से हमें ढाल देना है। तो देखिए हमने थोड़ा सा नीचे से ढाल दे दिया है। इस तरह से आस्तीन को हम ज्वाइन करेंगे, आस्तीन की सिलाई और ब्लाउज की सिलाई को हम इस तरह से मिला लेंगे। फिर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अगर ऐसे नहीं मिलाना है तो नाप के मिला लें अच्छे से, तो हमारी सिलाई एकदम आस्तीन की फिटिंग बैठती है। तो चलिए आस्तीन लगाने के बाद फिर हम दिखाते हैं। अब हम ब्लाउज की सिलाई को मिलाएंगे और आस्तीन की सिलाई को मिलाएंगे, फिर इसमें हम सिलाई लगा देंगे। बराबर से मिला लेना है। फटाफट सिलाई लगा देंगे, दोनों आस्तीनों को इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हम करते हैं अपनी ब्लाउज की सिलाई करते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आया होगा, मैंने एक एक चीज़ बहुत ही सरल तरीके से बताई है। देखिए आस्तीन भी हमारी बहुत सुंदर लगी है। अब हमें ये तैयार करने को रह गया, इसमें हुक हाई और नीचे से तुरपाई प्रेस करना है अभी बाकी। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ब्लाउज हमारा कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है, बहुत ही सरल तरीके से बताया है फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।